SN Live सच सबसे आगे। सिवान में बीपीएससी परीक्षा में वीक्षकों की ड्यूटी लगाने में धांधली का लगाया आरोप। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में वीक्षकों की ड्यूटी लगाने में धांधली का आरोप लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि एमएस उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज हुसैनगंज परीक्षा केंद्र पर 50 शिक्षकों को वीक्षण कार्य हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से ड्यूटी लगाई गई थी। बावजूद इसके अनुमोदित सूची से सिर्फ 38 वीक्षकों की ड्यूटी पिंक एंड चूज का प्रयोग करके लगाई गई। इस केंद्र पर कुल परीक्षार्थियों की संख्या 738 थी, वहीं बाकी 12 वीक्षकों का यह कहा गया है कि आप सभी लोग जा सकते हैं। उक्त व्यवहार शिक्षकों की मानसिक और आर्थिक दोहन को प्रदर्शित करता है। इस विषय में पूछताछ के जाने पर केंद्र के शिक्षक जो कि ड्यूटी लगाने का कार्य कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी या फिर शिक्षा मंत्री से इसकी शिकायत करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपरोक्त आशय की लिखित शिकायत बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से की गई। इस पर उन्होंने संघ को यह आश्वासन दिया कि बीपीएससी पीटी परीक्षा संचालन जैसा संवेदनशील कार्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दूसरों को शो कॉच किया जाएगा। सिवान सेशन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान श्रेया मरीन अकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8,000 से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने